नारायणपुर अलवर से पत्रकार प्रदीप जांगिड की रिपोर्ट पेश करते हैं अभी तक की खबरें। राष्ट्रीय मंत्री योगी सेना मोहनदास महाराज के 26वां जन्मदिन के उपलक्ष्य दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नारायणपुर कस्बा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल स्टेडियम में शनिवार को राष्ट्रीय मंत्री योगी सेना मोहनदास महाराज के 26वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 5,100 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2,100 रुपए, तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपए रखा गया। कोच उदय मीना ने बताया कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय मंत्री योगी सेना मोहनदास महाराज के द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का फीता काट कर शुभारंभ किया गया और दिव्या कंपटीशन क्लासेज के संचालक सुरेश ज्ञानपुरिया के द्वारा मोहनदास महाराज का माला पहना कर भव्य स्वागत किया गया। मोहनदास के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1600 मीटर, 800 मीटर टरो, 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता बड़ी संख्या में नवयुवक युवा ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें प्रथम पुरस्कार कैलाश गुर्जर भरतपुर, द्वितीय पुरस्कार रविंद्र यादव बहरोड व तृतीय पुरस्कार रविंद्र कुमार कराना ने दौड़ प्रतियोगिता में जीत हासिल की। इस अवसर पर मौजूद रोहिताश गुर्जर, सुभाष यादव एडवोकेट, प्रदीप शुद्ध शिव संगठन, सुरेश ज्ञानपुरिया, जुलेश सिंह रावत, कांच उदय मीना, कालूराम पायला, सचिव सुनील शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बच्चों के लिए इसलिए दौड़ प्रतियोगिता इसलिए रखा हूँ कि जो बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, जिससे बच्चे अच्छी तैयारी का मालूम चले भाई किसकी कितनी क्या तैयारी चल रही है। और मैं सभी बच्चों से ये कहूँगा कि भाई दौड़ प्रतियोगिता दौड़ की प्रतियोगिता के हिसाब से ही दौड़े। हम करते हैं, हम हमारे दीवा कंपटीशन से जो सुरेश जी हैं उनसे भी हम चर्चा करते हैं। जो आज का जो ये कार्यक्रम है, यानी कि मोहनदास जी महाराज के 26वें जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें प्रथम पुरस्कार है जो 5100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 2100 और तृतीय पुरस्कार 1100 रुपये बच्चों के लिए रखा गया है। जो भी युवा आगे अपने प्रतिस्पर्धा करेंगे आर्मी आगामी भर्ती के लिए, उसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको किस तरह से महसूस? ये ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने का एक सुप्रयास है और इसके अंदर पहले से होता है ये काम। ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया जा रहा है, जो गांव स्तर के ऊपर, टहनी स्तर के ऊपर, जहां पर ये बच्चे संसाधनों के अभाव में नहीं पहुंच पाते हैं, इनको परिष्कृत कर करके आगे ला करके लोगों को ये लगे कि यहाँ पर प्रतिभाएं हैं और ये नेशनल गेम्स में भाग ले सके, इसका एक प्रयास है। और ये प्रतिभाओं को निखारने का महाराज जी की तरफ से जन्मदिन के ऊपर एक अच्छा प्रयास किया गया जी के 26वें जन्मदिन पे, जो ये प्रथम बार महाराज जी ने खेल योजना का आयोजन किया है और यहाँ हजारों की संख्या में युवा मैं देख रहा हूँ बांसूर से, थानागाजी से उपस्थित हुए हैं। और मैं प्रतिवर्ष चाहूंगा कि महाराज जी ऐसा आयोजन करते रहें कि युवाओं के प्रति, दौड़ ही नहीं, दौड़ के अलावा और भी खेल हैं, क्रिकेट है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, खो खो है, उसके में बच्चे इंटरेस्टेड हैं। यहाँ के, यहाँ पे स्पोर्ट्स का जो लेवल है वो बहुत पीछे है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र से कोई बंदा जाए इंटरनेशनल ओलंपिक के अंदर। महाराज का जन्मदिन है, इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में मोहनदास जी महाराज ने 1600 मीटर, 800 मीटर और 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें 5100 रुपये, 2100 रुपये और 1100 रुपये की इनाम रखी गई है। और इस क्षेत्र में मोहनदास जी महाराज का बहुत ही अच्छा प्रयास है, जो मुख्य रूप से बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा है।